पे कमीशन के विरुद्ध सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का संघर्ष लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों से बरनाला के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज परेशान हो रहे हैं। मरीजों की परेशानी दूर करने के लिए बरनाला में 3 दिनों की हड़ताल के बाद डॉक्टरों ने सरकारी ओपीडी बंद करके अपने तौर पर ओपीडी की और सरकारी अस्पताल के पार्क में मरीजों का चेकअप किया। डॉक्टरों ने कहा कि मरीजों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपनी पर्ची छपवा कर मरीजों का इलाज शुरू किया गया है। यदि सरकार ने अभी भी उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान ना दिया तो संघर्ष और तेज होगा। वहीं इस दौरान इलाज करवाने आए मरीजों ने कहा कि 3 दिनों से उनको इलाज करवाने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आज डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल के बावजूद मरीजों की समस्याओं को समझते हुए अस्पताल के पार्क में बैठकर इलाज शुरू किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की मांगों को सरकार को तुरंत मानना चाहिए। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। सेखे तो पिंड सेखे तो आए हैं जी, खज्जल खुआर हो रहे हैं जी आप खुद ही। तो इन्हों सरकार को चाहिए भी इन्हों मंगा मुंगा पर पड़ताल करनी चाहिए है भी हाँ मंग रहे हैं जो इन्हों करके लोग मरीज ने जोड़े वो नहीं हो गए खज्जल खुआर जी। 3 दिन हो गए जी इन्होंने मंगा पर ध्यान देना चाहिए जी सरकार ने जी भी ना लोग ना खज्जल मरीज खज्जल खुआर ना हो जी। दवाई घाट चल रही है जी पूरी तो हो नहीं रही दवाई जी। इन्हें फिर भी रेड क्रॉस तो दे रहे हैं दवाई पर फिर भी नहीं पूरी हो रही। बिल्कुल जी ये भी संघर्ष का हिस्सा है। ऐसी सरकार की नीतियां के खिलाफ असी बोलबाला कर रहे हैं कि सरकार की नीतियां गलत है। असी जनता को जागरूक करवाना चाहते इस गल दे। साडे नाल तो धक्का हो ही गया पर असी चाहते कि साडे मरीजों नाल ना धक्का होवे नाल। इसलिए असी बाहर अपनी ओपड़ी अपनी एसोसीएशन की स्लिप से उन्होंने चेक कर रहे हैं उन्होंने इलाज उन्होंने दवाइया लिख रहे हैं। ईवन दवाइया भी असी अपने बतौर तो मुफ्त प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं।